बुकमार्क का काम होता है, जैसे हम अपनी बुक को रीड कर रहे हों, कोई जरूरत लग गई, कहीं हमें जाना हुआ या हम आज नहीं पढ़ना चाहते उसके आगे अगले दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस वर्ड को हम मार्क करना चाहते हैं, तो बुकमार्क की मदद से हम उस वर्ड को यहाँ से मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डिवाइस, अगले दिन हमें डिवाइस के बाद से पढ़ना है, तो हम बुकमार्क पे चले जाएंगे और बुकमार्क में हम वही यहाँ हम डिवाइस लिख लेते हैं, अपना डिवाइस टाइप कर दिया और इस डिवाइस को हम ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे बुकमार्क के साथ सिलेक्शन तो आया ही और एक डिवाइस को इसने एक ब्रैकेट में कर दिया। जैसे मैंने बुकमार्क जनरेट कर लिया, अब हम मान लेते हैं पेज में अपने कहीं भी हूं, हमने अपनी फाइल अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया और हम बुकमार्क पर जाएंगे और डिवाइस को सेलेक्ट करके यहां से गो टू कर देंगे, डायरेक्टली हम अपने उसी वर्ड पर पहुंच जाएंगे जहां हमने अपना कोई भी ब्लॉग है या कोई भी पैराग्राफ या कोई बुक में जो हमने जहां पर लास्ट डे पढ़ा हुआ था उसके आगे हमें कंटिन्यू करना था, वहां हमें डायरेक्टली पहुंचा देगा। इस तरह से हम बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अलग अलग बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं या हम यहाँ एंटर करके जाएं और हम यहीं लिख दें बुकमार्क। बुकमार्क हमने लिख दिया, बुकमार्क आप देखेंगे इस बुकमार्क वन को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम हाइपरलिंक पे चले जाएंगे। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ बुकमार्क में डिवाइस को हम यहाँ से लिंक कर लेंगे, फिर हमें जाना है, जस्ट हम यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, हम अपने बुकमार्क पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा लास्ट डे हमने यहाँ पर रीडिंग एंड की थी, अब हमें आज इसके आगे रीडिंग करना है। तो इस तरह से हम बुकमार्क जनरेट कर लेते हैं।